बात करते हैं अमेठी की, जहां अपने एक दिवसीय दौरे पर प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा अमेठी पहुंचे। प्रभारी मंत्री ने अमेठी संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर अमेठी के जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया और वहीं मरीजों को फल भी वितरित कर कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। इस दौरान मोहसिन रजा ने पाकिस्तान पर बयान देते हुए कहा कि इस्लामी मुल्क भी चाहते हैं कि दुनिया से आतंकवाद खत्म होना चाहिए, इसलिए वे भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहे हैं। हमने 370 हटाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है और हमने 370 और 35 ए को हटाकर उन्हें शामिल किया और आने वाले समय में पीओके को भी हम जल्द ही हासिल करेंगे। जब पाकिस्तान बना था तो वहां पर अल्पसंख्यकों की तादाद 23% थी। आज अल्पसंख्यकों के साथ दुराचार अत्याचार करके हिंदुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर यही हरकतें रही तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, आज आपने फल वितरित किया है, क्या कुछ ये पूरे हमारी सरकार और हमारे संगठन के लोग, पार्टी के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री के दीर्घायु शतायु होने की कामना करते हैं और उसके साथ साथ हमने सेवा सप्ताह के तहत इसको मनाया है। हम लोग मना रहे हैं, पूरा संगठन मना रहा है, सरकार मना रही है। चूँकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में देश को आज कहाँ पहुँचाया है, देश में आज एक जो कहना चाहिए जिसको नया भारत की जो परिकल्पना थी उनकी उसको साकार करना उन्हीं के बस का था और किसी के बस का था नहीं। तो इसलिए हम सब बड़े ही उत्साह के साथ में पूरे प्रदेश के नहीं पूरे देश के अंदर हर जगह सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है और उनके इस जन्मदिन के अवसर पर हम लोग उन लोगों से मिल रहे हैं जो लोग सरकार के पास अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। अस्पताल में भी अगर आए हैं तो अस्पताल में अच्छी व्यवस्था के साथ साथ हमने उनको स्वल्पाहार भी कराया है, इसलिए कराया है कि ताकि हम उनकी भी स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करते हैं प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर। क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे जिस तरह से उन्होंने 5 वर्षों में काम किया है और जो इतिहास लिखा है उन्होंने 5 वर्षों में, वो इतिहास अपने आप में आगे बढ़ता जाएगा, इतिहास दर इतिहास और लिखेंगे भी वो, क्योंकि जिस तरह से काम हुए हैं देश में वो कहीं किसी से छुपे नहीं हैं। और आज गरीबों की सरकार, पिछड़ों की सरकार, परेशानों की सरकार, परेशान लोगों की सरकार क्या होती है उसका हमने एहसास कराया है जनता को। उसी एहसास के तहत हम सारे मंत्रीगण, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हमारे सारे पदाधिकारी, पार्टी के पदाधिकारी सब लोग अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, हम सबके बीच में जा रहे हैं, सेवा सप्ताह मना रहे हैं। ये हमारे इस सेवा सप्ताह से जिले में किस तरीके से संदेश देना चाहते हैं जबकि आप प्रभारी मंत्री हैं जनता के? मैंने कहा ना कि सेवा सप्ताह का मतलब ही यही है कि सरकार आपकी सेवा के लिए होती है, जनता के हितों के लिए सरकार बनती है। जनता का, हमारा, सरकार का और संगठन के लोगों का जब हम चुनाव में जाते हैं तो हम यही बताकर और यही कहकर जाते हैं कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लाएंगे। तो उन योजनाओं को भी लाए हैं और सेवा भी कर रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि हमने जो कहा था हम वो पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान की गलत बयानबाजी का जवाब में कुछ भी पाकिस्तान की बयानबाजी का जवाब तो उन्हें पूरी दुनिया से मिल गया है, क्योंकि जिस तरह से आतंकवाद का पर्याय वहाँ से शुरू हुआ था जिससे पूरी दुनिया परेशान थी और आदरणीय मोदी जी ने और हमारे देश के गृह मंत्री आज के और हमारे पूर्व हमारे अध्यक्ष उन्होंने जिस तरह से करारा जवाब दिया। और 370 तो हमें बहुत पहले ही हटाना था लेकिन पिछली सरकारों ने साहस नहीं जुटाया, हमने 370 हटाकर उनकी कमर तोड़ दी क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो और लोग हैं जो कश्मीर के लोग हैं उन्हें भी वो प्रताड़ित कर सकें, वो भी हमारे देश का हिस्सा है और इसीलिए हमने अपने हिस्से में उनको शामिल किया। 370 और 35 से हटाकर हमने ये संदेश दिया कि जो हमारा है वो हमारे पास रहेगा और पीओके की बात है, पीओके भी हम बहुत जल्दी हासिल करेंगे क्योंकि उनके पास में अब कुछ बचा नहीं है। पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की नर्सरी लगाई थी जिसके चलते आज दुनिया के, कि हम यूँ कहें कि उनके जो इस्लामिक मुल्क हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को कहीं से कोई भी मदद नहीं की। इसलिए मदद नहीं की क्योंकि वो मुल्क भी जो है वो यही चाहते हैं कि दुनिया से आतंकवाद खत्म होना चाहिए और आतंकवाद की नर्सरी अगर कहीं लगती है वो पाकिस्तान में लगती है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।